जय बद्री विशाल। संपूर्ण पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत, और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री बद्री धाम, जहां पर स्वयं श्री नारायण हर पल हर घड़ी विराजमान रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में श्री नारायण का प्रिय स्थान और प्राणी को मोक्ष पाने का एकमात्र स्थान श्री बद्री धाम, और यहीं से एक रास्ता जाता है जहां से प्राणी शरीर के सहित स्वर्ग जा सकता है, जिसकी यात्रा सब यात्राओं से सर्वश्रेष्ठ है, और ये स्थान है स्वर्गारोहिणी, यानी कि स्वर्ग जाने का दुनिया में एकमात्र स्थान स्वर्गारोहिणी, जहां से धर्मराज युधिष्ठर शरीर के सहित स्वर्ग गए। अतः ये वही स्थान है जहां पर युधिष्ठर को लेने के लिए पुष्पक विमान आया था। यहीं पर है दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ सतोपंथ सरोवर, जहां पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन इस पवित्र सरोवर में स्नान आदि करके तपस्या करते हैं। ये वो तपस्थली है जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत मुनिजन ललायित रहते हैं। आइए अब हम आपको सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, चक्रतीर्थ, सहस्त्रधारा, लक्ष्मीवन, वसुधारा एवं बद्री धाम के अन्य पुण्य तीर्थों की यात्रा कराते हैं, जो कि हर प्राणी के लिए अति दुर्लभ है। ये यात्रा वो ही मनुष्य कर सकता है जिस पर भगवान की अति कृपा हो। ये स्वर्ग यात्रा सर्वप्रथम 5 पांडवों ने की थी, परंतु स्वर्गारोहिणी तक केवल धर्मराज युधिष्ठर ही जा सके। भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम विद्यमान हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम को ही माना गया, क्योंकि इस धाम को शास्त्रों वेद पुराणों ने भूवैकुंठ के नाम से जाना है। ये धाम आदि अनादि है। और जब श्री नारायण आत्मचिंतन के लिए यहां पर आए तो उनकी योग माया पर्वतों के रूप में चारों ओर उतर आई। एक भैरवी चक्र आकाश में, एक भैरवी चक्र पृथ्वी के नीचे स्थित हो गया, और जहां पर स्वयं श्री नारायण विराजमान होते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। अतः जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। श्री बद्री धाम के दिव्य तीर्थों के दर्शनों के बाद हम आपको स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर लेकर चलते हैं, जो यात्रा अति दुर्लभ यात्रा है। श्री बद्री धाम में करोड़ों यात्री आते हैं, परंतु सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा चंद प्राणी ही कर सकते हैं, या फिर जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही प्राणी स्वर्गारोहिणी की यात्रा कर सकता है। ये यात्रा महापुरुषों के आशीर्वाद को लेकर और यहाँ के प्रमुख अधिकारियों से आज्ञा लेकर ही की जा सकती है। यात्री मंदिर में भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। गाओ भजन में शुभ हो शाम, जय बद्री जय तेरा धाम, गाओ भजन में शुभ हो शाम, आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार।
मुझको सबका प्यार, जय जय बद्री धाम। और श्री नारायण का ध्वज लेकर बद्री विशाल की जय जयकार करते हुए बाजे नगाड़ों के साथ ये यात्रा शुरू होती है। इतना बढ़िया हवन किया, इतनी बड़ी पूजा की, और जो पंडित जी हैं त्रिपाठी जी, उसके आशीर्वाद लिए, क्योंकि आज सतोपन जा रहे हैं तो सभी के आशीर्वाद लिए हैं, और अब आप सतोपन की यात्रा करेंगे। जय बद्री विशाल। रावल जी के आशीर्वाद ले रहे हैं और अभी इसके बाद सतोपन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आशीर्वाद दो कि हम हमारी मनोकामना पूरी करके आए। दो साल से जाने की प्लान कर रहे हैं, तो अभी वर्कआउट हुआ है, अब देखते हैं कि कब कहाँ तक जा सकते हैं, क्या होता है। अब मौसम ठीक रहना चाहिए, वही प्रार्थना है भगवान सूर्य नारायण देव को और इंद्र देव को, वरुण देव को, हाँ कि हमारे साथ दें सभी। हाँ अच्छा, पहले उधर से आओ, मंदिर से नमस्कार करके आओ, मंदिर के घंटे से नहीं घंटा जाओ, नमस्कार करते जाओ। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, हम जा रहे हैं सतोपन, हमारे साथ आओ और हमारी मनोकामना पूरा करो और मंगल करके यहाँ वापिस आ जाए। जल्दी आओ भगवान बद्री विशाल, आपको जय बद्री विशाल का अभिषेक होगा। बद्री विशाल के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, यात्रा सफल हो। थैंक यू भैया, सबके आशीर्वाद दो, गुड विशेष दो, तो हम जाके आते हैं। जय बद्री विशाल, जय सतोपन, जय सर। 2 किलोमीटर बाद एक शिला पर नाग नागिन का जोड़ा है। ये भृगु गुफा है, यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता, कहीं बर्फीली चट्टाने, कहीं पथरीले पहाड़, सब कुछ बड़ा मनमोहक लगता है, दिलकश लगता है। ये माता मूर्ति का मंदिर है, तो माता मूर्ति नर नारायण देव की माता है, और साल में एक बार नर नारायण देव यहाँ आते हैं, उसका आशीर्वाद लेते, राइट। 3 किलोमीटर की दूरी पर माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति धर्म की पत्नी है और भगवान श्री नर नारायण की माता है। यहाँ वर्ष में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान श्री नर नारायण 52 द्वादशी के दिन यहाँ अपनी माता के पास आते हैं और भोजन पाते हैं। यात्री यहाँ पर पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं। हमारी माँ, चलो हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर जो माँ। Then, okay, so we came from there, from the Badrinath, and then there is a Marnagaon. That's where there is a Vyas Gufa, Bhim Gufa, Ganesh Gufa, Saraswati Maya's Agman, Draupadi's Mandir. All these things are there in Marnagaon. That's where it is. And that's the border of China and India. व्यास गुफा के दाहिनी ओर नीचे उतरने पर माँ सरस्वती के साक्षात दर्शन केवल यहीं पर होते हैं। अन्य जगह माँ सरस्वती अदृश्य रूप में रहती है। जो भी प्राणी माँ सरस्वती में स्नान, ध्यान, पूजा आदि करते हैं, उनके कुल में कभी कोई अज्ञानी नहीं होता। सरस्वती नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि यात्री देखकर एक बार डर ही जाता है। जब 5 पांडव स्वर्ग गए थे तो यहीं से गए थे,
नदी के प्रवाह को देखकर द्रौपदी डर गई थी, अतः नदी को पार नहीं कर पाई। ये देखकर भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर दोनों पर्वतों के मध्य रख दिया, अतः द्रौपदी उस शिला के ऊपर से होकर पार हो गई। तब से इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर जाकर रास्ते में एक कुलदेवी का मंदिर आता है। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी इसी मंदिर तक ही जा सकी और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था, और तब से यहाँ पर देवी के रूप में पूजी जाती हैं। अने अवे वी आर गोइंग टू हेडिंग टुवर्ड्स आनंदवन, राइट? अब आनंदवन आएगा ना भैया, है ना? आनंदवन जाएंगे, फिर आएगा वसुधारा एंड देन लक्ष्मी वन, ठीक है ना? आनंदवन की ओर जा रहे हैं और गाड़ी ऐसी है, जस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स एंड सब कुछ है। ऐसे निकलते हैं और बर्फीले पहाड़ है, चोटियां है ना? हाँ। बड़ी बड़ी चोटियां है। अबे बद्रीनाथ पाछर रही गयो, सरस ठंडो पवन आवे छे અને ક્લાઉડ્સથી કવર્ડ બધા માઉન્ટેન્સ છે। અને આગળ આનંદ બનાવશે આગળ જાય છે મારો ટૂર ગાઈડ। આવો રસ્તો ચલાવો, આવા પ્રીટી ફ્લાવર્સ છે, વાઇલ્ડ ફ્લાવર્સ। અને પછી અહીંયા આવવા છે, જેમ આનંદવનની નજીક આવવા માંડ્યા છે। તરફ માં અલકનંદા કા સંગીત, पगडंडी बहुत छोटी है। ये जाओ भैया, ये हमारी टूर है, हमारी टीम है, सब सामान टेंट खाना पीना सब इसमें है। हमारी एक ना माटे आटला केला जन छे, चार पांच जना ना आया छे, आटलू बधु जोईए थवा माडे छे आवी रीतना જવાનું। હવે રસ્તો આવો થોડોક સ્ટફ છે, વચ્ચે આવું પણ આવે, જો ધ્યાન ના રાખો તો હા એ લક્ષી જો પડાય। હા scary, I'm just standing right underneath this mountain, but it looks so huge, but that, and then from there, there's a lot of water in the distance, right? What's that? It's a Vasudhara, but it's a lot of young people, Vasudhara is a place for Lakshmi. रिकॉर्ड जैसा आ गया, अब रिकॉर्ड हो रहा है। पहले ऊपर से जो दिया था, हाँ
तो अभी मुझे कैसा बन गया हमारा मैं तो यहीं आगे कर लेते हैं। नहीं हम ऐसे ही कहते हैं। हाँ हाँ। हाँ। I'm short of breath। जो ये माउंटेन बीक लागे इतना ऊंचा लागे। नीचे तो बंचू जीवा सी अब। Huge माउंटेन से। हाँ। अभी तो लक्ष्मी वन भी नहीं आया। हाँ? वो आनंद वन अभी नहीं आया। आनंद वन के बाद आएगा ना और यहाँ से अब मैं जाना है ऊपर अच्छा यहाँ से जाना है ना देखो ऐसा रास्ता है और वहाँ से आए देखो नीचे कितना बड़ा बैड रास्ता इतना खराब रास्ता तो
दिस इज वसुधारा सामने है वो हाँ। और कहते हैं इसकी स्टोरी के नारद जी भगवान ने इतने प्रेज किया था इस जो भूमि को तो वसु अष्ट वसु यहाँ आके तप किया अच्छा। और भगवान प्रसन्न हुए हाँ। और इस ये वसुधारा उसके नाम से है अच्छा। और कहते हैं कि वहाँ जाओ तो इफ यू आर पापी सिनर तो आपके ऊपर जल नहीं पड़ता पता हाँ। नहीं ऐसी मिथ है हाँ। स्टोरी में हाँ। सच तो पता नहीं हाँ। लेकिन कहते हैं कि ये जल जो पापी हो इस पर नहीं पड़ता हाँ। लेकिन ये वसुधारा है हाँ। अष्ट वसुओं ने यहाँ तप किया अच्छा। ऐसी उसकी स्टोरी है नारद जी के कहने से पगडंडी है जो वसुधारा तक जाती है ऊपर पहाड़ की चोटियों से मोतियों को बिखेरती हुई धारा का जल मोतियों के समान दिखाई देता है। हवा के झोंकों के साथ जब वसुधारा की पावन धारा बहती है तो ऐसा लगता है कि बूंद बूंद में हर हर का शब्द सुनाई दे रहा है। ये वसुधारा साधारण नहीं है। स्कंद पुराण में इस झरने की विशेषता लिखी हुई है कि जो प्राणी पाखंडी एवं पापी हो उस पर इस धारा का जल नहीं गिरता। कथा में कहा गया है कि देवर्षि नारद जी ने अष्ट वसुओं के सामने श्री बद्री धाम की इतनी प्रशंसा की कि अष्ट वसु यहाँ आकर तपस्या करने लगे और 30,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें श्री नारायण के दर्शन हुए। अतः श्री नारायण ने अष्ट वसुओं की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति का वरदान दिया। तभी से ये परम पावन तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वसुधारा से 3 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मी वन है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। ओके दैट इज लक्ष्मी वन। ये भोजपत्र होते हैं ये क्या है कहीं नहीं आटला झाड़ से मानो प्रवाह के ऊपर यहाँ आज मुकाम करवाने के लक्ष्मी मंदिर टेंट बांधे। बहुत बड़ा खुला सा मैदान आरामदायक घास। ये घास कम से कम 1.5 फुट लंबी घास होती है। विष्णु माएति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बहुत ही सुंदर एवं पवित्र वातावरण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे स्थान पर मन स्वयं प्रभु के चरणों में लग जाता है। आपने देखा होगा कि बद्री धाम में एक भी वृक्ष नहीं है और यहाँ पर इतनी ऊंचाई में इतने अनगिनत विशाल भोजपत्र के वृक्ष मिलेंगे कि विश्वास ही नहीं होता। पूर्व काल में ऋषि मुनि इन भोजपत्रों की छाल निकालकर उन पर पुराण लिखते थे। मां लक्ष्मी जी प्रकृति का रूप बनकर यहां पर वास करती हैं। भक्तों जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा कर रहे थे तो नकुल लक्ष्मी वन तक ही जा सका और यहीं पर नकुल ने अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ का मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और शाम को तो अक्सर बारिश होती है। यात्री स्वर्गारोहिणी यात्रा का पहला विश्राम लक्ष्मी वन में ही करते हैं। लक्ष्मी वन एरिया छे यहाँ रात रोकावाना छे त्यां भूजपत्रो पे बाजू पाछळ छे पण यहाँ कैम्प ग्राउंड छे एटले कैम्प लगे यहाँ करे छे टेंट अने आज टेंट बनाई रह्या छे
छोकरो पाणी लेवा गयो छे અને અહીંયા હવે આ ગેસ ચાલુ કરશે ખાવાનું રાંધવા અને અંદર અમારું કિચન છે કેવું જેવું છે ને એમાં એ કિચન બનાવી ગે ખાવાનું બધું પડ્યું છે ટાપી કેટલી ઊંચી છે કવર થઈ ગઈ છે બધે બસ મોટા મોટા માઉન્ટન્સ જ છે ખરેખર આ ચઢાણ હાર્ડર છે અમરનાથ કૈલાસ બધા કરતા અમારો ટેન્ટ થયો અંદર સુવાનું આ બીજો ટેન્ટ કરે છે ચાર ચણનો પાંચ ચણનો અને અહીંયા કિચન છે જો બનાવી છે પવન બહુ હોય કેટલું સરસ બનાવ્યું ટેન્ટ બે ત્રણ મેટ કરી આમ છે પાણી લઈને આવે અમારા માટે રાંધવાનું પવન ના આવે અને ઠંડી ના લાગે અને અંદર રાંધે છે મારું ટેન્ટ છે અંદર થી માથું મૂક્યું છે એટલે ઊંચો રહે છે સ્લીપિંગ બેગ છે મારા ભગવાન છે બધા અમારી બધું લગેજ છે આમાં આટલી જગ્યામાં શૂઝ સ્લીપર લગેજ એવરીથિંગ બીજી ક્યાં ગયા બાજુ અચ્છા હમ લક્ષ્મીવન મેં બેઠે હૈ પીછે ટેન્ટ લગા હૈ ये सब भोज पत्र है दिस आर ऑल भोज पत्र देखना भी अब मिल जाएगा और अब तो शाम होने आई है 5-6 बज गए हैं यहाँ हमारा फर्स्ट नाइट होल्ड है और अब सन भी जाने लगा है थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हुई है एंड वेरी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग है बट आई एम वेरी टायर्ड एंड ऑफ द डे Hopefully today, good night's sleep and tomorrow, I'll able to continue for the Chakrati. Is that Bhojpatra? Haan, yeh aa gaya. So, yeh Bhojpatra tree hai. So, kya karte hai? They peel off this. And this was, they use it as a paper. Not the leaves, but yeh sab, iski skin. Drum ki skin, maa padta tha. Lakwa maa. આવી રીતના સ્પીલ ઓફ કરે અને પછી આને યુઝ કરતા હતા આના પર પુરાણો ને ઋષિ મુનિઓ આના ઉપર લખતા હતા બધું શાસ્ત્રોને જ્યારે પેપર્સ નહોતા ત્યારે સો આ આની સ્કીનનો ઉપયોગ કરતા એટલે આ ભોજપત્ર એસે નીકળતા પીલ હોતા અને ઇસ પર લિખતે કિચન હે है और ये हमारे मास्टर शेफ है है ना शेफ है जो क्या बना रहे राइस बना रहे हैं राइस और ये सब्जी देखो कुकर में सब चल रहा है चावल भी बना रहे हैं चावल बनाए दाल बनाई दाल बनाया अभी तो और सब्जी बनती है सब्जी बन गई और देखो ये ऐसे ट्रक वो डब्बा में सुके भाई बैग में पिक्चर में
બધું ખાવાનું લઈ આવ્યા છે. और हम 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पीपल है ना. ये इसका टेंट हो गया. वेट वेट, हाँ अब लो देखो, ये हमारे लिए सब लोग ने खाना पकाया. हाँ जी, दाल दाल सब्जी राइस एंड मैंने बोला गर्म पानी तो हॉट वाटर है. हॉट वाटर विंटर बोतल ये सब ने बनाया. अब आप शुरू करो. हाँ जी, आप भी खाने लगो. हाँ जी, हमारे लिए वेट मत करो. गरम गरम है ना. ये है वेजिटेरियन. वेजिटेरियन वेजिटेरियन फ्रेश बनाया है ना. हाँ, और नैपकिन भी है. अरे वाह, लेंटिल जैसा सूप है. मूंग है, लेंटिल है, पता नहीं. अनियन भी डाली है. गुड, शाक भी ज्यादा है थोड़ा. टमेटोस पोटेटोस क्या है. हाँ, प्लांट टमेटो ब्रिंजल प्लांट है. ब्रिंजल ब्रिंजल हाँ, एक प्लांट है. गुड, ऐसे ले जाना है. फिर चाहिए तो मैं ले लूंगी. हाँ आप पहले. नहीं नहीं, नहीं नहीं आप खाने लगो. नहीं नहीं, हम लेट खाएंगे. सब बैठ जाओ. नहीं नहीं, हम साथ 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 में खाएंगे. आपको इतना नहीं चाहिए, आप भी खाना. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत होगी तो हम बोलेंगे, आके दे जाओ. नहीं नहीं, हम बाद में खाएंगे. बाद में खाएंगे, आप खाओ. हां आप शुरू करो, खा लो. आपके लिए तो इतना लोग आ रहा है सेवा पानी करने के लिए. सेवा पानी के लिए इतने सारे लोग आए हमारे यहां, तो हम कहते हैं इतनी सेवा नहीं जरूरत. आप भी खा लो. खाएंगे, खाएंगे, अच्छा लगेगा. अरे वाह, बहुत बढ़िया आ रहा है भाई. जय बद्री विशाल. जय हरिओम. हरिओम. जय सत्वपंत. जय सत्वपंत. टुडे इज संडे, सेकंड डे. आई हैव जस्ट वोकन अप. इट्स अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग. अभी तो ब्रश भी नहीं किया है, लेकिन इतना बढ़िया रमणीय क्लीन क्लाउड्स के बिना वेदर है, तो सोचा कि इसकी वीडियो ले ले. सो क्या नाम है भैया उसका सबसे. अच्छा आप बोलिए, मैं लेती हूँ. बोलिए आप उसका. लेफ्ट साइड जो है चोखंबा पी गए. कौन सा वाला, वो स्नो वाला और विदाउट स्नो. बैक साइड. व्हाइट साइड ना, एकदम जो व्हाइट दिखाई दे रहा है. व्हाइट है वो स्नो वाला. हाँ स्नो वाला, वो चोखंबा है. ये सामने जो है बालाकुंड है. ये बालाकुंड है, बालाकुंड और इसके पीछे जो स्नो वाला है वो बालाकुंड का एक रिज आता है. हाँ बालाकुंड का ही रिज आता है. रिज आता है बालाकुंड का. अच्छा, और ये राइट साइड में ये भागीरथी खरक ग्लेशियर है. ओ वो वाला. हाँ, वो स्नो वाला. हाँ, नहीं नहीं, भागीरथी खरक ग्लेशियर है. और ग्लेशियर ये. हाँ, अभी ग्लेशियर है नहीं, लेकिन इसको कहते हैं ग्लेशियर. ग्लेशियर ही है, मतलब उमोरेन ऊपर से है, नीचे से आइसी है. अच्छा, ग्लेशियर जाता है आगे जाके. ये चौकम्बा के पीछे से जो है ना. हाँ, वो गंगोत्री ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता पीछे से. अच्छा, गंगोत्री ग्लेशियर फिर गौमुख पहुंचता है. अच्छा, तो ये चौकम्बा के पीछे से गौमुख का ग्लेशियर शुरू होता है और फिर गौमुख कहला जाता है. हाँ, जब पानी हो जाता है. हाँ, उसका गौमुख. अच्छा, लेफ्ट साइड से सत्वपंत ग्लेशियर. ओ तो ये वाला जो व्हाइट है इसमें से ग्लेशियर बनता है, वो सत्वपंत के पानी का. अच्छा, या तो यही दो पिक की इसमें बात कर रहे थे. अब हमको याद है वीडियो में वो इतना क्लियर स्काई है. अब भगवान की दया से रेन नहीं है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती ट्रैवलिंग की. इफ़ इट रेन्स वी हैव टू वॉक मे बी 8 hours टुडे एंड देर आर 2 हाई पिक्स विथ एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स ऑल्सो मे बी 12,000 feet ऑल्सो एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट टुडे. सो इफ इट डजंट रेन एट लीस्ट इट विल हेल्प. ये सारे माउंटेन्स अराउंड अस, बहुत बढ़िया वातावरण है. हरियामणू है, सरस लागे छे. आ मारो टेंट है, एमां ऊभू ना थवाय, खाली आडू आडू सूज रहेवाय, कारण के हाइट नथी एटले. ऊभू शू बैठू ना थवाय, ऊभू तो ना थवाय पण बेसाय पण नहीं. एवो छे आ पाछळ आ लोकोनो टेंट छे. अने पेलू अमारू किचन. આ વસુધારા છે, પડ્યા જ કરે છે પાણી. વસુધારા
रोटियां सब्जी क्या बन रहा है? मटर रोटियो बनाई आपने रोटला करे ने थापी थापी नान करे ने रीतना वणता नाम ले रेटले अने जो ब्रेड बटर बना के लंच करी छे ब्रेकफास्ट और यहाँ एकदम देखो धुम्मस थई गयो कशु देखातु नथी बधु कवर थई गयो सवारना केटलू फाइन हतो अत्यारना ऊपर पीक पर थोड़ो सन दिखाय क्यांक बाकी बधु कवर्ड विथ धुम्मस कुछ नहीं दिखाई देता जीरो विजिबिलिटी हो गई अब जस्ट इन फाइव मिनट्स ऐसा हो गया सब कुछ दिखाई दे रहा था पहले अगर पाछर मोटो पेलो माउंटेन ने बधु देखा तो सवारना वीडियो करी ग्लेशियर ने ज्यांथी सतोपन सरोवर थाय ने गौमुख नु गंगोत्री थाय बधु बंद थई गयो त्यांना एकदम फाग थई गयो छे ऑल ऑफ सडन कहीं पर गुफाएं भी नजर आती हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह यात्री ओम नमो नारायण का जाप करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। आज का दूसरा दिन है चढ़ाई चढ़ाव उतार आता है ऐसा भी है और जब शुरू किया तब थोड़ा क्लाइंबिंग था थोड़ा पानी के अंदर से भी जाना पड़ा आगे थोड़ा अभी हार्डर आएगा अब तक तो ठीक है इतना बुरा नहीं है इन बिटवीन आता है लेकिन फिर भी मैनेजेबल है लेकिन हाइट की वजह से थोड़ा एल्टीट्यूड प्रॉब्लम शुरू होने लगा है ब्रीदिंग का ये कितनी हाइट होगी भैया 13 की होगी 13,000 फीट आ गए हैं लुक एट दिस व्यू इट्स सो प्रिटी आज स्मोक जो बच्चे थयू छे ये क्लाउड्स छे And mountains are above the clouds. Peak to dekhati pan thi etli high chhe. Yahan se hum aa rahe hain. So rasta itna to seedha nahi hai. These are the surroundings around us. A Nilkanth Parvat chhe. Close. Ani niche. नाइस फॉल्स है हाँ आ बाजू माता पार्वती नो माउंटेन है बिकॉज ऑफ दिस नाइस ब्राइट सनी बधु देखाय छे क्लियर આજ રસ્તો બતાવે આ ચિહ્નો જોઈ જોઈને આગળ જવાનું એનાથી ખબર પડે કે નેક્સ્ટ રસ્તો ક્યાં છે બોર્ડ સાઇન કશું રસ્તો નથી આ ચિહ્નો જોઈને આ બધા નક્કી કરે આવો
भजन। सामने एक पहाड़ दिखाई देता है। इस पहाड़ से दो घाटियां नजर आती हैं। इसमें से एक घाटी का रास्ता अलकापुरी को जाता है और दूसरी घाटी का रास्ता सतोपंथ स्वर्गारोहिणी जाता है। जय जय नारायण नारायण। और अलकापुरी से ही माँ अलकनंदा का उद्गम स्थल है। ग्लेशियर के बीच से माँ अलकनंदा निकलती है। वास्तव में माँ अलकनंदा स्वर्गारोहिणी के पास विष्णु कुंड से निकलकर अलकापुरी में दिखाई देती है, इसलिए इसको विष्णुपदी गंगा कहते हैं। कैसे ने आ माताजी ने उद्गम स्थान छे अने विष्णुपदी पण कहे छे अने अलकनंदा मैया नु उद्गम स्थान अलकापुरी थी निकले छे अने अंडरग्राउंड छे। अत्यार सुधी अहीं बधे अंडरग्राउंड छे। अहीं पहली वार एमना दर्शन थाय छे माना। सामने ही पहाड़ की एक दीवार सी दिखाई देती है। इस दीवार नुमा पहाड़ पर हजारों झरने दिखाई देंगे जिन्हें देखकर यात्री अपनी थकान भूल जाता है, प्रभु की अपार माया के दर्शन करता है। सहस्त्र धारा यहाँ लंच करवा बैठा था। सामने ही पहाड़ की एक दीवार सी दिखाई देती है। इस दीवार नुमा पहाड़ पर हजारों झरने दिखाई देंगे जिन्हें देखकर यात्री अपनी थकान भूल जाता है, प्रभु की अपार माया के दर्शन करता है। ऐसा मनमोहक दृश्य शायद ही कहीं संसार में देखने को मिले। इन दृश्यों को देखकर यात्री गदगद हो जाता है। अतः इस स्थान को सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, पांच पांडवों में से सहदेव इस स्थान तक ही आ सका था और सहस्त्र धारा के पास सहदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया था। लांबी कर दीजिए एटले डीप अंदर पानी में जाई शके।
इतनी मिनिमम मनी वाली वस्तु में ध्यान रखते हैं। सहस्त्र धारा से 3 किलोमीटर चलने के बाद आता है चक्र तीर्थ। बहुत बड़ा मैदान गोला आकार का सूखे तालाब की तरह दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई पर हिमालय में इतना बड़ा मैदान देखकर अचंभा होता है। भक्तों, 5 पांडव जब स्वर्गारोहिणी की ओर जा रहे थे तो वीर अर्जुन चक्र तीर्थ तक ही आ सका था और यहीं पर अर्जुन ने अपना शरीर त्याग दिया था। इससे आगे भीम, युधिष्ठर और स्वांग के रूप में धर्मराज गए थे। चक्र तीर्थ में कुछ गुफाएं हैं, अतः यात्री अपनी यात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम इन्हीं गुफाओं में करता है। और ये चक्र तीर्थ है, so according to story, this is where Arjun died. He left his life. And from here on, him, Yudhishthir, and Swan, उसके साथ गए थे। क्या हुआ? नहीं ठीक है, मैं चल रहा हूँ। आपका भी वो आ रहा है, आप बोलते रहो। अच्छा। हाँ मैं। So ये चक्र तीर्थ है, आज रहते हैं, लेकिन फिर कल यहाँ नहीं होंगे। और वापस जाते वक्त यहाँ होल्ड नहीं है। According to this team's plan, tomorrow we'll be at Sakopant, and from then Wednesday, Tuesday morning, we'll leave and continue Chakratirth to Lakshmivan. So we'll be staying at Lakshmivan. So this way we'll save one day. I don't know if health permit, and unless I get tired, we may stay at the Chakratirth. But otherwise we may not be there. So right now we have the border road to Chakratirth. And there are kutte. Dekho. Here and yahan bhi ek baithe hai. Iske le lo. और ये अर्जुन भैया कुक करते हैं। जय बद्री विशाल, जय सतोपन। टुडे इज अ थर्ड डे, मंडे मॉर्निंग, वी आर एट द चक्र तीर्थ and we are going to go to the Satopan. With God's grace, sun has come out. Last night it was a lot of heavy rain, and luckily morning has cleared up, and we have to cross over that hill and go on the other side. That's where the Satopan is. There is a Nilkanth mountain. It's just clearing up from the clouds. Yeah. And see how the rain was? Now it's clearing up. But luckily, रात को ही हुई। थोड़ा डर तो था कि क्या होगा, सुबह ही रेन होगी तो जाने का थोड़ा ट्रबल तो होगा, पर भगवान की दया से सब क्लियर हो गया। सनराइज, सूर्य इससे हो रहा है तो सारा क्लियर दिखाई देता है। यहाँ से हमारे भगवान भी क्लियर दिखाई देते हैं, सब कुछ क्लियर है। That's where I slept. बोलो आप जाके आए? हेलो, बात करो सामने। जाके आए? जाके आए। कहाँ से आए हैं? सतोपन। सतोपन जाके आए? सतोपन जाके। और यहाँ कहाँ से है? माना के है। देखो आज पहली बार इतने सारे लोग को देखे जो सतोपन से जाके आए, इतना कोई मिलता ही नहीं। क्या बढ़िया, कुत्ता भी आ गया आपके साथ। अभी माना गांव से है? ये सब सारे आपके साथ है? दिल्ली के हैं। ये सब दिल्ली की टूर है? दिल्ली की टूर। कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग ही है, और दूसरे तो आपके पोर्टर कुली वगैरह होंगे, हैं सामान उठाने वाले। पहली बार अटला मानस जोवा मल्या, फर्स्ट टाइम। ऐसे तो बहुत प्यारे प्यारे पर्पल, पिंक, डेजी, वाइट, बहुत सारे फ्लावर्स हैं ऑन द वे। व्हेन आई गो बैक आई एम गोइंग टू टेक ऑल द फ्लावर्स वीडियो। एंड ये माता पार्वती का पर्वत है ना? हाँ। पार्वती पर्वत कहते हैं उसे? हाँ, माउंट पार्वती। और ये सब दिल्ली से आ रहे हैं? जाके आए भैया? हाँ, कैसा रहा? Good.
अच्छा रहा। हाँ थोड़ा टायरिंग है। टायरिंग तो है ही। और वैसे भी वहाँ से आते आते भी टायरिंग तो लगता है। ग्लेशियर है बहुत सारे, इस वजह से थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, ग्लेशियर की वजह से। बाकी ये लोग लोकल लोग हैं, दे आर हेल्पिंग। लोकल लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो बहुत, वो एक दिन में दो तीन चक्कर लगाते हैं। वही तो, इतना सामान कैरी करके भी चलते हम तो ऐसे भी चल नहीं सकते। हम वैसे न्यूयॉर्क से हैं। बॉडी तो कोई ना चारों ओर बर्फीली चोटियां हैं। अब तो बादल भी नीचे रह गए, हम बादलों के ऊपर पहुंच गए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चक्र तीर्थ से आगे ये चढ़ाई बहुत ही कठिन है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। हम इस समय लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। श्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण। इस चोटी से सामने सतोपंथ टॉप दिखाई देता है। नारायण श्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और कुछ हिस्सा स्वर्गारोहिणी का। नारायण श्री नारायण सृष्टि दाता नारायण नारायण श्री नारायण। इस चोटी के बाद रास्ता और कठिन हो जाता है। मैडम इज क्लाइंबिंग स्टीप स्लोप ऑफ चक्रती था इसी ग्रासी। I'm bank side the alone tent the Chakratirtha. Okay. I'm breathing normal. ये height भी है? हाँ। और चढ़ाई? Steep slope भी। भगवान जैसे weather अच्छी है लेकिन अब direction है तो गर्मी लगती है। हाँ वो तो होगी। रात को सारा gloves, jacket पहन के सोना पड़ता है। हाँ ठंडी होती है। आपका वो एकदम उसमें वो है ना, वो है क्या मतलब जाली है। हाँ और फिर सुबह उठते ऐसे लाइक इंडियन समर, रात को ठंड हो जाती है। हाँ। 5 बजे के बाद। हाँ। सुबह 8-9 बजे के बाद सन हो तो होता है, सन नहीं होता तो ठंडी लगती। हाँ ठंडी लगती है। हाँ ना देखो ऐसे डेजी भी है। हाँ। हाँ। बहुत प्रीटी फ्लावर्स है। हाँ। ये पर्पल वाले भी। हाँ। Now I caught up with the breath. अब आगे जा रहे। वो सामने लिया हमारा टेंट दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा। दिख तो रहा है। वहाँ से हम आ रहे हैं। हाँ हाँ। दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हल्का सा स्पॉट दिखाई। टेंट है वहीं हम, वो चक्र तीर्थ है, वहीं रुके थे। वहाँ से यहाँ आए, अभी तो बहुत जाना है, बट फिर भी। चलो। मैडम इज अगेन क्लाइंबिंग on the steep slope. The coolies are also coming back down.
वाइल्ड एंड मर गए नहीं बिल्कुल मर गए ये साइन देखी हाँ हो ऐसी साइन होती है ये साइन के ना चढ़ गया है हाँ है ना 500 feet तो होगा हाँ 500 feet जरूर होगा 500 feet होगा हाइट एक बार पाम माउंटेन की ऐसे साइन जब भी जगह है हाँ ये साइन मेन साइन है हाँ मेन साइन ये साइन को फॉलो करते करते हाँ, रास्ता ढूंढना होता है हाँ, अब ये यहाँ अब नीचे उतरना है ऐसे हाँ अब इधर से उतरेंगे हाँ यहाँ से उतरेंगे ऐसे उतरना है हाँ यहाँ से ऊपर आए इतने नीचे जाना हाँ यहाँ से उतर के इधर से नीचे नीचे फिर इधर से ट्रेवर्स इधर को बैक साइड एंड दिस इज माउंट चौकम्बा चौकम्बा माउंट वो है हाँ दिस इज द माउंट शिप्तन ये तो हमारे भगवान की दया है कि स्नो नहीं है दिस टाइम स्नो कम हुआ है इसीलिए वेदर थोड़ी वार्मर है नहीं तो जून मंथ में भी कहते हैं कि बहुत रेन और टेम्परेचर भी बहुत कोल्ड था हमारे भगवान की और सबकी दुआ से हमको बेस्ट वेदर मिली है ना भैया बिल्कुल वो बोल रहे थे वो लोग कारण टेंट वाले थे ना कहते थे जून मंथ में इतनी ठंडी थी -20 एंड स्नो था ग्लेशियर से अब स्नो इतनी हुई नहीं और बारिश भी नहीं तो वेदर वार्म हुई तो सब मेल्ट हो गया नहीं तो बहुत ठंडी है और वो बोल रहे थे एक दिन पहले कोई नहीं 2 weeks पहले 5-10 days पहले कोई आया था सारा 5 days रेन 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 था और ऐसे रेन में ट्रैवल किया वो बच्चे लोग हैं ना हमारे साथ अर्जुन और वगैरह वो बोल रहे थे कि इतने पानी में 5 days रहे इतनी रेन थी हम लकी है टूटे हुए बस पत्थर है ये क्या ग्लेशियर की वजह से टूटे हैं हां ये ग्लेशियर की वजह से नीचे से आइसी ग्लेशियर है ना आइसी अच्छा और वो बदलता रहता है तो ये मोरेन लूज हो जाते हैं इससे अच्छा तो रास्ता होगा तो भी बिगड़ गया हां तो भी बिगड़ जाता है ग्लेशियर टूटे है इसकी वजह से हां वो ग्लेशियर पिघलता रहता है तो इसलिए कहीं ऊंचा नीचा हो जाता है ऐसे ही आए ना रास्ता नहीं था वैसे ऐसे उतर आए और बलराम भैया करके आए जो निकल गई थी है ना वो सामने वाली साइन आपने बनाई ना वो वाली आपने बनाई अच्छा जो इस ओर से हम आए वी केम फ्रॉम दैट बिग माउंट अदर साइड Now, according to Balram Bhaiya, underneath all these rocks, it's ice. Usually, May, June, when you come and if it's a lot of heavy snowfall, this whole thing is covered with the ice and you go on the glacier, which would be easier. And this is the proof that underneath is the ice. Niche baddo ice chhe avi ritna. So what he says is true. सारा आइस है ये सारे रॉक्स के नीचे ग्लेशियर्स है आइस के अच्छा सामने जो है वो स्वर्गारोहणी के बिगिनिंग स्टेप्स है ये बिकॉज ऑफ द स्नो एंड द फॉग यू कैन नॉट सी फर्दर बट दैट इज व्हाट द स्वर्गारोहिणी इज सम पार्ट ऑफ स्वर्गारोहिणी यू कैन सी फ्रॉम हियर कुछ हिस्सा दिखाई देता है यू कैन नॉट सी मच इफ यू गो क्लोजर देन मे बी यू कैन सी 2-3 steps दैट्स वेयर द युधिष्ठिर हैड गॉन इन द
पुष्पक विमान केम फ्रॉम द हेवन फॉर हिम. आगे 7 स्टेप्स है इसके बाद. इट्स लाइक अ रॉक. तीर्थ से सतो पंथ तक 3 किलोमीटर का रास्ता यात्री की कठिन परीक्षा ले लेता है. ये रास्ता साधारण नहीं बल्कि हमको ग्लेशियरों के ऊपर चलना पड़ता है. नीचे पानी बहता है, ऊपर 20-30 फीट का ग्लेशियर और ग्लेशियर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर चट्टाने पार करनी पड़ती हैं. इन पर पांव संभल कर रखना पड़ता है. यह रास्ता नहीं बल्कि यात्री को एक स्थान पर खड़े होकर सामने रास्ते का चिन्ह देखना पड़ता है. ये चिन्ह एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर बनाया जाता है. इस प्रकार यात्री इन चिन्हों को देखकर रास्ते का अनुमान लगाकर चलता है. एक चोटी पर पहुंचकर सामने अलकापुरी का टॉप दिखाई देता है. ये कुबेर का मुकुट है. यही वो जगह है जहां से रावण अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीत कर ले गया था. यहीं पर कुबेर के भंडार हैं. यहीं से तिरुपति बालाजी ने पद्मावती से शादी करने के लिए कुबेर से कर्जा लिया था. तीन किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद सामने ही त्रिकोण रूप में एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई देता है. जब यात्री सतोपंथ के दर्शन करता है तो ऐसा लगता है मानो कंगाल को खजाना मिल गया हो. जैसे तपस्वी के सामने मूर्तिमय सिद्धि स्वयं आकर खड़ी हो गई हो. इतना स्वच्छ कांच के समान हरे रंग का जल. यात्री का हृदय सतोपंथ के दर्शन करके भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है. ये स्थान दुनिया में एक ऐसा स्थान है कि प्राणी यहां पर आने के बाद संसार में वापस जाने की इच्छा नहीं रखता. इस सरोवर का जल इतना पवित्र है कि यदि इसमें कोई गलती से तिनका भी डाल दे तो ये पक्षी इस तिनके को अपनी चोंच से उठाकर बाहर फेंक देते हैं. यहां के पक्षी भी सात्विक भाव के ही मिलेंगे. ये पक्षी और कहीं नहीं मिलते. यहीं पर आसपास में ही गुफाएं हैं. यात्री इन्हीं गुफाओं में आकर ठहरते हैं या फिर टेंट लगाकर अपनी ठहरने की व्यवस्था करते हैं. ऋषि मुनि संत यहीं पर इन गुफाओं में रहकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं. स्कंद पुराण में लिखा है एकादशी के दिन यहां साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव सतोपंथ सरोवर में स्नान आदि करके तपस्या करने आते हैं. सतोपंथ के दर्शन पूजा स्तुति करने से क्या फल प्राप्त होता है ये स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते तो फिर हम क्या कहें. यात्री सिर्फ यहीं तक ही जाते हैं. और पांचों पांडवों में से भीम सतोपंथ तक ही जा सका और यहीं सतोपंथ में अपना शरीर त्याग दिया. सो ये सतोपंथ आ गया. हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहां तक आएंगे. हाँ. लेकिन ये भगवान की दुआ है. हाँ. और सब लोग के आशीर्वाद है तो हम यहाँ पहुंच गए हैं. सभी की ओर से दर्शन करेंगे और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया. ग्रेटिट्यूड है कि ड्रीम ही था लेकिन आज आ गई यहाँ. सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है. देखते थे वीडियो में कभी सोचा नहीं था कि रियल में देख सके. हाँ. लेकिन आ गए. हम सारे यूनिवर्स से फ्रेंड्स फैमिली
रिलेटिव सभी की ओर से दर्शन करेंगे, शायद वो आ सके या ना आ सके, लेकिन हम सभी की ओर से भगवान का दर्शन करेंगे और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम जो ये हमारा टेंट लगा है यहाँ, ये सब तो बंद। या ये बाबा जी है, 6 महीने यहाँ रहते हैं, ये उसकी कुटिया है, ये खत्म हो गया। ये सामने माता जी का मंदिर है, मंदिर है, टेप नहीं है, वो मोनी महाराज का आश्रम है। ठंडा तो है, ठंडा तो है। पानी इतना क्लियर है, देखो हमारा फीट भी दिखाई देता है ना, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन है आइस वाटर जितना ठंडा। हलता चलता जड़ चेतन बद्धा भगवानों सहित नारद जी बाबा ने दूसरे कमरे से सारे यूनिवर्स की ओर से ये स्नान कर रहे हैं। सभी के लिए लास्ट डुबकी लगा लेते हैं, इतना ठंडा है मर जाएंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। हर हर गंगे गोदावरी काशी नर्मदा सरस्वती, ठीक है, सभी के लिए, ये सब के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए, सभी के लिए, जो भी रह गया सभी के लिए हम स्नान कर रहे हैं, कोई भी बाकी ना रह जाए, भूल गए हैं तो माफ करना, सभी के लिए आ गए। पानी कैसा, ठंडा है? ठंडा है, फ्रीजिंग कोल्ड है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। यहाँ पंडित जी है नहीं, नहीं इसीलिए हमको ये अपने आप करना पड़ा। ठीक है, वो भी बढ़िया है, है। पंडित जी होते तो उसके साथ सब कुछ करवा देते। ये हमारे मंदिर से आए, ये बद्रीनाथ से रुद्राक्ष लिए थे, फिर पूजा करते करते आए, सभी जगह जाते, अमरनाथ कैलाश मानसरोवर सभी जगह, श्रीशैलम जहाँ भी गए, रामेश्वरम सभी जगह पूजा होती है, तो हम हर वक्त ले आते हैं हमारे साथ, जहाँ भी जाए पवित्र स्थल पे पूजा करवाते हैं। अब यहाँ तो पूजा नहीं हुई, तो ये भी पूजा ही है, ये पूजा है, सभी को बिठा के दिल से मन से बोल देंगे तो ये हमारी पूजा हो जाएगी। इस पर सतोपन जल का अभिषेक करते हैं थोड़ा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम ओम जुम सह ओम श्री महालक्ष्मये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। ओम श्रीं वायु ज्योतिर्लिंगाय नमः। श्री शैलम नमः, वायु ज्योतिर्लिंगाय नमः। नमः।
भवानी जय ओम रिम गम गणपतये नमः ओम ऐं रिम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः नो दुर्गा मयानी जय दाशनाथी जय नवग्रह देवतानी जय ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुत बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वे अम सुप्रभातम् सब देवो निजय सब माताओ निजय सब संतो ऋषि मुनि जनो निजय जय 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 बाबा सेवानो स्वीकार करजो सौ नावती सौ न सही सारा यूनिवर्स वती तमारे सौनी पूजा करिए छे श्री गणेशाय नमः सब देवो निजय सब माताओ निजय सब संतो ऋषि मुनि जनो निजय साई बाबा निजय सत्य नारायण देव की जय नारायण जी बाबा नि जय राधा मैया नि कानुडा सहित गाय माता सहित जय आज के आनंद की जय 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 विष्णु भगवान सहस्र स्वरूप सहित जय अंत विनाना हजारों स्वरूप वाला हजारों पग आंख मस्तक साथरा ने बाहू वाला परमात्मा ने नमस्कार हो हजारों नाम वाला हजारों करोड़ युग में धारण करना सनातन पुरुष ने नमस्कार हो साई बाबा नि जय साई राम नि जय सत्य नारायण देव की जय नारद जी बाबा नि जय गाय माता सहित जय आज के आनंद की जय 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 सतगुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु भगवंत बहुनामी जय सदगुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरण शीस धरा थी दुख ना क्या तोड़ी जय मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीति जय सदगुरु स्वामी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार रंभुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सवितम नमामि सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नाना हजारो स्वरूप वाला हजारो पग आंख मस्त साकार ने बाहु वाला हजारो नाम वाला हजारो करोड़ में धारण करना सनातन पुरुष नमस्कार हे गोविंद हे गोपाल दुनियामां सौનું મંગલ થાવ સૌનું કલ્યાણ થાવ સૌના ઉપર ભગવાનની કૃપા ઉતરો સૌ તમારી કૃપા ઉતરી સુખી થાવ સુમુખ શૈકદંત કપિલો ગજકર્ણ કલંબોધર વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધૂમ્રકેતુર ગણાધ્યક્ષ બાલચંદ્રો ગજાનન દ્વાદશૈતાની નામાનિ યઃ પઠે શૃણુયાદપિ સર્વેષામ વિરોધેન ब्रह्म कर्म समारंभे हे विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सिद्धि विनायक अष्ट विनायक गणपति दादानी जय गुरुदेव माँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 भोलेनाथ की जय सरस्वती मैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय संतोषी मात की जय ब्रह्माणी मात की जय वैभव लक्ष्मी मात की जय विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी नारायण देव की जय शेषनाग जी नाग माता बाड़िया बुचिया वीरभद्रो सहित जय हो जय नाची बाबा यमुना मैया माँ प्रभु जी ने जय जय सहजानंद स्वामी नि जय स्वामी बापा नि जय राम लखन सीता जय सहित हनुमान दादा नि जय नवग्रह देवता नि जय नव दुर्गा मैया नि जय साई बाबा नि जय
सत्य नारायण देव की जय, नारद जी बाबा नि जय, चारे तीर्थो नि जय, चारे धामो नि जय, सब देवो जय, सब संतो ऋषि मुनि जनो नि जय, जय जय जय, सतो पंच सदेव नि सरोवर नि जय, बद्री विशाल नि जय, आज के आनंद की जय, जय 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 हो बाबा जय। अभी स्नान किया, पूजा की और अब हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, सतोपन सरोवर की परिक्रमा करने जा रहे हैं। बारिश भी होने लगी है, ठंड भी है, लेकिन सोते करके आएंगे जैसी फिर भगवान की इच्छा। जय सतोपन, जय सतोपन। ऊपर से पत्थर से ही ऊपर से आओ, हाँ यहाँ से, हाँ वही पत्थर से थोड़ी इधर से, अच्छा वाह वहीं से नीचे से आ। थोड़ी थोड़ी बारिश हल्की सी हो रही है ना, हाँ कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, आ जाओ उन पत्थरों के ऊपर से आ जाओ। जैसे हेवन में आ गए है ना जी। कोई नहीं है यहाँ हमारी टीम के सिवा, एक बाबा जी है वहाँ, और वहाँ एक ऊपर जो मंदिर गुफा है इसमें मौनी महाराज रहते हैं, कोई और नहीं है, एकदम सुनसान पीसफुल, बहुत प्यारा लगता है। सभी के लिए, सभी की ओर से ये कर रहे हैं सारे यूनिवर्स, कोई भी बाकी ना रहे, सब की ओर से इस आपको वंदन। ओ आराम से दीदी, ऊपर ही ऊपर आना थोड़ा। भगवान से नीचे से थोड़े नीचे से, हाँ जो अहियाँ थी जाटलू पानी आवे छे। This is the only water force that comes from there. When there is a heavy snow, then it's more. Otherwise, this is it. अब बारिश आने लगी भैया। So, this is उद्गम स्थान कहो, जो भी कहो, water force.
इसे ट्रायंगल आकार का है वैसे तो। फिर से रेन शुरू हुए। एकदम पीसफुल से वो सामने हमारा टेंट लगा हुआ है। ये यहाँ वो ऑरेंज जैसा कुछ दिखाई देता नहीं, ये मेरा टेंट है और पीछे बड़ा वाला है, वहाँ साधु जी महात्मा रहते हैं। सो ऐसे ट्रायंगल होता है, ये दूसरा एंड है। और ऊपर ऐसे माउंटेन पीक्स हैं, दिखाई भी नहीं देते, स्नो कवर्ड है। आज रात तो हम यहीं रहने वाले हैं, फिर कल जाएंगे, लक्ष्मी वन तक जाने का प्लान है। देखते हैं हो सकेगा या नहीं, लंबा स्ट्रेच है। कितने किलोमीटर भैया यहाँ से लक्ष्मी वन? 12 किलोमीटर। लेकिन रास्ता इतना खराब है कि 12 किलोमीटर सीम्स लाइक 25 किलोमीटर है ना। भगवान की दया से भगवान ने इतना साथ दिया कि वेदर भी अच्छी रही, कोई तकलीफ ना पड़ी और यहाँ आ गए। तो सब आपकी भक्ति का वो है, पूजा का। आपके मन में वो संकल्प था मुझे सुतोपन जाना है। हाँ। और आपका पूरा सक्सेसफुल हो गया है, भगवान की दया है। भगवान की दया से। हाँ। पूजा भी हो गया, मौसम भी बढ़िया रहा। भक्ति तो है, फिर भी हम सोचते कि भगवान ने साथ दिया है ना। बैठे, ये मोनी बाबा है, ये उसकी कुटिया है, वो यहाँ रहते हैं लेकिन बोलते नहीं, मौन ही रहते हैं। देखो बहुत खुशी हुई मिलके। 6 मास 12 मास नहीं पूछेंगे, आप मौन रखते हैं ना, सॉरी। अच्छा, ये कुटिया है बाबा जी की। एक फोटो भी ले लो। विष्णु पत्नी लक्ष्मी मैया को बोले और फिर विष्णु भगवान शेषनाग है। अच्छा, ये बाबा हमारी कुट वहाँ सामने रहते हैं, उसकी कुटिया बताते हैं बाद में। हाँ। वहाँ ही रहते हैं। और देखो यहाँ भी कहते हैं ना स्वान मिलते हैं, तो देखो ये भी बैठे हैं। अब तो जैसे कितने 4-5 बजे हो गए, 6 बज गए कम से कम, ज्यादा हो गए 6 से। हाँ, यहाँ पर ये माता का मंदिर है, 7 बजे सूर्यास्त होता है। अच्छा, तो ये लोग जल्दी करें फिर। यहाँ कहीं थी वो बाबा की कुटिया थी, वो ऊपर वाली। ये मोनी बाबा की कुटिया थी, हम मिले थे उसे। या सामने वाली आपकी है भैया? दोनों मेरी है, दोनों ही मैंने ही बनाया हूँ। अच्छा। ये है प्रकाश बाबा की, जो ओनली 23 years old है, वेरी अमेजिंग पर्सन। वो यहाँ रहते हैं और अब US आने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स। वो 12 मास यहाँ रहते हैं कहते हैं। और वहाँ हमारा किचन है, बलवीर भैया बैठे हैं वहाँ, किचन है। ये बाबा भी है, यहाँ रहते हैं। एक वीक लाए हैं, तो सोचा है यहाँ माता का आशीर्वाद लेके फिर यहाँ लगाएंगे। तो सारे आती जाती यात्री को हेल्प करेगा, देख के खुश हो गए कि अब आ गया, निशानी जैसा रहेगा। और हमको भी आनंद होगा कि हम कुछ लाए
यहाँ हमारा कुछ रहेगा जो किसी को हेल्प भी करेगा। फिर वहाँ से यहाँ आए, ऐसे स्ट्रेट चढ़ के ऊपर बैठे हैं। और ये रहा त्रिकोणात्मक ट्रायंगल सतोपंत सरोवर, करीबन 500 फीट ऊपर है ये। 500 कितना होगा ये? सतोपंत से यह कितना ऊंचे खड़े हैं? ये होगा 100-150 फीट होगा। जय सतोपन, जय बद्री विशाल। ये झंडा हम बद्री विशाल से लाए थे। जय लाए तब तो पता भी नहीं था कि कैसे और क्या करेगा उसका। वो लोग बोल दिए कि सब ले जाते ले जाओ, और सबसे बढ़िया झंडा दे दिया। फिर यहाँ आए तो फिर नीचे बाबा की कुटिया है, तो बाबा ने बोला और ये बलबीर भैया ने भी बोला कि यहाँ लगाए तो नीचे से लोग जो आते हैं ये देख के खुश हुए कि सतोपंत आ गया। जैसे ये चिन्हों की साइन होती है, जैसे ये भी एक साइन है कि यहाँ पहुँच गए। तो ये दोनों की मदद से यहाँ लगाया है। इतना चढ़ के आया है, इतना डर लगता है कि गिर जाए ऐसा। इतनी स्ट्रेट स्टिफ हाइट करके यहाँ झंडा लगाने आया है। मैंने ये पत्थर मैंने लगाए, एक दो लगाए, बहुत सारे तो ये सब नहीं, हम तो नहीं लगा सकते इतने हैं अभी, लेकिन थोड़ा कुछ रखते हैं। ये रखा, ये रखा, ये भी रखते हैं। अच्छी तरह रखना है कि जो रहे फिर यहाँ हमारा पत्थर भी है ना। बटोरी बांधती है और जय सतोपंत, जय 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 जय। ये हमारा झंडा का अच्छा लगता है कि कुछ यहाँ रख के जाते हैं, हमारी निशानी कि हम यहाँ आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। जय बद्री विशाल। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो, हल्का हल्का टेढ़ा हो। देखो तो कितना स्टीफ है। देखो यार हाथ भी देखो। स्ट्रेट। नहीं नहीं ज़रूरत नहीं, हम आएंगे। जैसे ना कि स्लो स्लो आएंगे। आपकी माफी करेंगे नहीं। झंडा लगाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ता है ना। अच्छा है, चढ़ते तो सांस भी फूलती थी और बिल्कुल बैठे बैठे सोते सोते चढ़े। चलो जब आइस वॉल से आइस टूटती ना गर्मी से, तो वो क्या होता है कि अपने साथ जितने भी आगे से जो मतलब रॉक मिले वो उसको तोड़ के सब नीचे लाती है। अच्छा। तो वो एवलांच, उसको एवलांच बोलते हैं। एवो मैंने वो गए स्नो लॉन्च मैंने किसी। हाँ। तो उसी की आवाज़ आ रही है, अभी भी आ रही है। Then about 7 o'clock in the evening, 7 maybe 7:30, ekdam pin drop silence. Ane baitha chhe satopant na kinare mara tent chhe, ma hu baithi chhu. Ane yahan hardly satopant par maybe hamari team 5 jan ni ane be tron baba ji rahe chhe. Itla loko hoisu ne biji other side par bija be tron baba ji chhe bas. અહીંયા આ બાજુ હું છું, પેલી બાજુ બધા અમારા હેલ્પર્સ ને એ બધા આવ્યા છે, અમારું ગેંગ. માતાજીનું મંદિર એકદમ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ. અને હવે આ જળ લઈ જવાનું ભરું છું. યહાં બિલકુલ ક્લીન હૈ. હા ભૈયા આપકા ભી ભરના હૈ તો. હા મેં ભરુંગા, આપ પરે ભર લો. તો વો લોગ દેખેંગે પાણી ભી ભર રહા હૈ. પાણી ભી ભર હૈ. હા બિલકુલ અચ્છા પાણી હૈ, ક્લીન હૈ, દિખાઈ દેતા હૈ સબ કુછ. હા
गोइंग फ्रॉम हियर सतोपन देन यू सी द चंद्रकुंड सूर्यकुंड विष्णुकुंड एंड देन दिस सर्गारोहिणी इवन इफ यू गो फर्दर यू कैन सी मच बिकॉज ऑफ द क्लाउड एंड मिथ यू मे गेट टू सी वन और टू स्टेप्स ऑफ इट बट दैट इज स्वर्गारोहिणी वेर यू युधिष्ठिर एंड स्वान रूप में धर्मराज गया था अने पुष्पक विमान प्ले सेवन थी आवी तू लेवा यहाँ पहुंचकर प्राणी धन्य हो जाता है इसी के ऊपर स्वर्गारोहिणी है यहीं पर तीन सीढ़ियां दिखाई देती हैं कहते हैं कि कुल 7 सीढ़ियां हैं परंतु बादलों के कारण हमें कम ही दिखाई दे रही हैं यही वो स्थान है जहां पर धर्मराज युधिष्ठर और स्वान के रूप में स्वयं धर्मराज गए थे जब युधिष्ठर को लेने के लिए विमान आया तो दूतों ने युधिष्ठर को आदर से विमान में बैठने को कहा श्रीमन्नारायण नारायण हरि तो युधिष्ठर बोले रास्ते में मेरे भाई एक एक करके मेरा साथ छोड़ते गए परंतु सिर्फ यही एक स्वांग है जिसने मेरा साथ यहाँ तक दिया इसका मतलब मेरे ज्यादा पुण्य इस स्वांग ने किए हैं इसलिए यदि ये स्वांग स्वर्ग जाएगा तो मैं भी जाऊंगा अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा ये सुनकर धर्मराज ने स्वांग का रूप छोड़कर युधिष्ठर को दर्शन दिए और कहा वाकई में तुम धर्मराज हो भक्त जनों यही वो स्थान है जहां से प्राणी शरीर सहित स्वर्ग जा सकता है एकदम क्वाइट फूड ऑफ फाग एंड यहाँ थी हमारे जवानू छे रस्तों बहुत ख्याल न थी पर विल गो थ्रू हियर एंड वी हैव लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम रियली वरीड के जवा से के नहीं हाँ धीरे धीरे जाओगे वेदर आवी छे साव फागी અને રેન છે હજી તો લાંબુ જવાનું છે सतोपन से चक्रतीर्थ आए चक्रतीर्थ से यहाँ आए है लक्ष्मी वन हाँ जी हम तो चाय ओ चाय गई हाँ वो बंद कर दे बंद कर दे स्टाफ हाँ चास तो अब लक्ष्मी वन आए हैं सुबह से बारिश है हाँ जी और ये पानी और जब जो भी जो रिवर क्रॉस करने के आते हैं सब ओवरफ्लो है तो दो तीन बार हमारे सूट तो पानी में गए और डर भी लग रहा था नीचे इतना फ्लो होता है वाटर का तो उस पर पग जाके पग रख के जाने का आई थोड़ा फॉग इन द वाटर सारे गीले हैं माय शूज प्रॉब्ली वेट्स अबाउट 2 or 3 pounds सो टू कैरी दिस एवरीथिंग वेट वेट सॉक्स क्लोथ्स इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय अमरनाथ यात्रा दिस वाज द सिचुएशन And this is the nice cave that we have break here for lunch. And I'm sipping Maggi noodles with vegetables. Yeah. It really tastes so good because it's still raining. Yeah. And we are planning to go all the way to Badrinath, which is another 7 kilometers. Look at my appearance. For 3-4 days, 5 days, I haven't seen my face. There is no mirror. I don't know how I look. All I know is I'm very, very, very
is the water. In front, yeah, is water in my shoes. Yeah, yeah. You know? Yeah, happy day, last day. And, I say, I'm a heart, but I say, that way. And when I came here, तो इतना डर लग रहा था जो क्रॉस करवाया तो बच्चे लोग ने हमको हाथ दिया नहीं तो गिरते तो सीधे नदी में जाते ना बिल्कुल हाँ बिल्कुल ना और बिल्कुल कितनी स्मॉल स्मॉल राइट एट द एज दे हैव द ट्रेल वेरी डेंजरस जाते वक्त पता नहीं चला आते वक्त कभी थके हुए हैं ना तो बहुत डर लगा wild force of the river. Yeah. अब क्या है कि सब rivers are overflowing. Yeah. That's why all these waters here. Yeah. Look, I show you how much water is there. It is definitely there because I can feel it. Oh. और lot of water. हाँ. अंदर अंदर रहता है. अरे साँस से. Oh. Water. Some drop. इतना शौक है हमारे साथ दोनों ऐसे जैसे पैदली हूँ इसमें आता नहीं यहाँ बहुत पानी है यहाँ बहुत पानी है फॉर्म भीग गया ना पूरा देखा नहीं इसमें से निकला वो सारा रिवर क्रॉसिंग का हुआ है स्ट्रीम क्रॉसिंग सब गीला है बिल्कुल क्लियर है लेकिन है आइस वाटर जितना ठंडा हलता चलता जड़ चेतन बद्दा भगवानों सहित नारद जी बाबा ने दूसरे कमरे सारे यूनिवर्स की ओर से ये स्नान कर रहे हैं